हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज का जो डिस्कशन है हम लोग का वो है टर्म फ्रॉम द इंड। टर्म फ्रॉम द इंड, अंतिम से टर्म निकालना है। टर्म फ्रॉम द इंड, तो बच्चे अभी तक हम लोग जो टीआर निकालते थे वो स्टार्टिंग से निकलता था, अब हम लोग को जो निकालना है वो लास्ट से निकालना है, इंड से निकालना है। तो उसको बनाने का दो तरीका है। एक तो है कि आरएथ टर्म फ्रॉम इंड, इंड इन द एक्सपांशन ऑफ, इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस वाई का पावर एन, अंतिम से जो आरएथ टर्म होगा उसको बिगिनिंग में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये होता है एन माइनस आर प्लस टू एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग एन एक्स प्लस वाई का पावर एन। पहले इस चीज को समझते हैं। जैसे मैं आपको एक्सपांशन दे दूं, एग्जांपल से फिर समझाते हैं। यदि मैं आपको एक्सपांशन दे दूं x प्लस y का पावर 5, इसमें कितना टर्म आएगा? टोटल 6 टर्म आएगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, t4 t5 t6। बच्चे मैं आपसे बोलूं कि लास्ट से सेकंड टर्म निकालिए, लास्ट से सेकंड टर्म, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड किसके बराबर है? ये फॉर्मूला है n, n की जगह 5, n माइनस आर प्लस टू एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि जो अंतिम से जो दूसरा टर्म होगा वो बिगिनिंग से कितना टर्म होगा? तो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म होगा, बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, आया ना? तो जो अंतिम से सेकंड टर्म आपसे पूछ रहा है तो आप उसको बिगिनिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, और बिगिनिंग से कन्वर्ट करने के बाद आप जो टीआर का फॉर्मूला बताए हैं वो लगा दीजिए। एक दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चे, दूसरा तरीका समझते हैं। एक्स प्लस वाई का पावर एन का एक्सपांशन आप क्या जानते हैं? अब बोलिएगा सर ये तो अपने पढ़ाया है एन से जीरो, एक्स का पावर एन माइनस जीरो, वाई का पावर जीरो, प्लस एन सी वन, एक्स का पावर एन माइनस वन, वाई का पावर वन, प्लस एन सी टू, एक्स का पावर एन माइनस टू, वाई का पावर टू, और लास्ट आएगा एन सी एन, एक्स का पावर जीरो, वाई का पावर एन। इसके जस्ट पहले क्या आएगा बच्चे? एन सी एन माइनस वन, एक्स का पावर वन, वाई का पावर एन माइनस वन, और इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आएगा एन सी एन माइनस टू, एक्स का पावर टू और वाई का पावर एन माइनस टू। ये बात समझ में आ रहा है? अब आप बोलिएगा सर y, हम बोलेंगे कि y प्लस x का पावर n का एक्सपांशन कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। तो y प्लस x का पावर n का एक्सपांशन लिखने के लिए हम लोग ये पहले वाला जो प्लस के होता है उसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको सेकंड, तो ये आ जाएगा n से जीरो, y का पावर n माइनस जीरो, x का पावर जीरो, n से वन, y का पावर n माइनस वन और x का पावर वन, एन सी टू, एक्स का पावर, सॉरी y का पावर n माइनस टू और x का पावर टू। अब ध्यान से देखिए, x प्लस y का पावर n के एक्सपांशन का अंतिम से जो दूसरा टर्म है वो y प्लस x का पावर n के एक्सपांशन का अंतिम से स्टार्टिंग से दूसरा टर्म है, क्योंकि ncr और nc n माइनस r बराबर होता है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, और x का पावर 1, y का पावर n माइनस 1।
अच्छा यानी x प्लस वाई का पावर n का अंतिम से यदि तीसरा टर्म पूछेगा तो y प्लस x का पावर n का बिगिनिंग से तीसरा टर्म के बराबर हो जाएगा। इसका टेक्निक यह है बच्चे कि आप दोनों को उल्टा कर दीजिए और x प्लस वाई का पावर n का अंतिम से तीसरा टर्म निकालने के लिए आप y प्लस x के पावर n का बिगिनिंग से तीसरा टर्म निकाल दीजिए, वो दोनों बराबर आ जाएगा। तो एक तरीका ये है बनाने का। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बच्चे। द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब बाई टू माइनस टू बाई एक्स क्यूब का पावर 9। इसको बनाने का दो तरीका इज फिफ्थ टर्म दिया, ऑप्शन भी दिया हुआ है 63 एक्स क्यूब है ना माइनस 252 बाई एक्स क्यूब और ये है आपका 672 बाई एक्स का पावर 18 और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों इसको बनाने का पहला तरीका ये है कि आपको अंतिम से पांचवा टर्म निकालना है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्योंकि जो टीआर का फॉर्मूला होता है वो बिगनिंग से लगता है ना। तो आप टी सिक्स निकाल दीजिए, व्हाट इज टी सिक्स, ये हो जाएगा 9c5 एक कम और एक्स क्यूब बाई टू का पावर दोनों का डिफरेंस और माइनस टू बाई एक्स क्यूब, बीच में प्लस लेना है ना माइनस लिखना हुआ है 5, इसको सेट कर लीजिए इसको कितना आएगा। तो 9c5 कैसे निकालेंगे, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 और बाई फैक्टोरियल 5, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 3, 2 या 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और 4 से 2 18 7 जा 126 ये आ गया 126 और 2 का पावर 5 और 2 का पावर 4 तो एक ऊपर में बचेगा 2, माइनस 2 कर देते हैं इसको और x का पावर 12 और x का पावर 15 तो x का पावर आ जाएगा -3 तो ये आ जाएगा -252 बाई x का पावर 3 -252 बाई x का पावर 3 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि आप ये मेथड वन, मेथड टू क्या कहता है, मेथड टू कहता है कि आपको किसका निकालना है x क्यूब बाई टू -2 बाई x क्यूब का पावर 9 का अंतिम से फिफ्थ टर्म निकालना है, t5 निकालना है इस एक्सपेंशन का। तो आप इसको एक्सचेंज कर दीजिए, लेकिन जब एक्सचेंज करेंगे तो प्लस माइनस के साथ, तो -2 बाई x क्यूब प्लस x क्यूब बाई 2 का पावर 9 का आप बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म निकाल दीजिए, ये दोनों बराबर होगा इस एक्सपेंशन का अंतिम से फिफ्थ टर्म और दोनों को पलटी मारने के बाद जो एक्सपेंशन आएगा उसका बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म, ये दोनों इक्वल होता है, आया ना। इसका T5 निकाल दीजिए क्योंकि NCR का फॉर्मूला आपको पता है,
ये हो जाएगा 9c4 और माइनस 2 बाई एक्स क्यू का पावर, दोनों का डिफरेंस कितना 5 और एक्स क्यू बाई 2 का पावर लोअर इंडिसेस 4। 9c4 का वैल्यू लगता है मैंने कैलकुलेट किया था, 9c5 और 9c4 बराबर होगा 126, ये आ जाएगा 120 माइनस 126 और माइनस आ रहा है यहां से 2 का पावर 5, 2 का पावर 4 नीचे 2 और यहां पे x का पावर 12, x का पावर 15, x का पावर ऊपर में 2 सॉरी ऊपर में 2 और x का पावर 15, x का पावर माइनस 3, तो यहां से आ जाएगा माइनस 252 बाई एक्स क्यू। तो जैसे निकाला निकालिए, या तो आप बिगिनिंग वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लीजिए या दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए, एक्सचेंज करना भी एक अच्छा मेथड है मेरे बच्चे। तो इस पे एक और सवाल करते हैं, फाइंड एन एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, समझिएगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, टू द फिफ्थ टर्म है ना फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द expansion of in the expansion of fourth root 1 by 3 ka fourth root power n is root 6 is to 1। कहने का मतलब यह है बच्चे कि इस एक्सपेंशन का जो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म है और अंतिम से जो फिफ्थ टर्म है उसका रेशियो दिया हुआ है इतना, तो पहले हमको इसका फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से ढूंढना होगा, बताइए क्या होगा। हो जाएगा एन सी फोर एक कम और टू का पावर 1/4 लिख देते हैं इसको, और पावर दोनों का डिफरेंस एन माइनस 4 और यहां आ जाएगा 3 का पावर माइनस 1/4 और इस पे पावर हो जाएगा 4 लोअर सरफेसेस 4, ये 4 से 4 कैंसल आउट। एन सी 4 2 का पावर एन माइनस 4/4 और ये हो जाएगा 3 का पावर माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हमको इसका अंतिम से फिफ्थ टर्म निकालना होगा, तो इस एक्सपेंशन को हम लोग उल्टा कर देंगे और उसका हम लोग बिगिनिंग से निकाल लेंगे फिफ्थ टर्म। तो एन सी फोर और इसको पलटी कर दीजिए, तो 3 का पावर माइनस 1/4 का पावर दोनों का डिफरेंस और 2 का पावर 1/4 का पावर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा एन सी फोर और 3 का पावर माइनस एन माइनस 4/4 और 2 into 2 और ये दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है √6:1। यानी बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म और अंतिम से जो फिफ्थ टर्म है इसका रेशियो दिया हुआ है √6:1। पुट कर दीजिए मेरे बच्चे, एन सी फोर 2 का पावर एन माइनस 4/4 एन माइनस 4/4 और 3 का पावर माइनस 1, नीचे आइए एन सी फोर और 3 का पावर माइनस एन माइनस 4/4 और इंटू टू और ये है √6:1। √6 को लिख देते हैं √2 into √3, ये एनसी फोर से एनसी फोर कैंसल आउट, बेस सेम है पावर घटाइए, ये
ये जाएगा ऊपर, तो 2 का पावर n माइनस 4 बाय 4 माइनस 1, और 3 का पावर है ना ये ऊपर में प्लस हो जाएगा, n माइनस 4 बाय 4 माइनस 1, इधर आ जाएगा 2 का पावर 1 बाय 2 और 3 का पावर 1 बाय 2, दोनों तरफ से पावर को इक्वेट कीजिए, तो n माइनस 4 बाय 4 माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 2, तो n माइनस 4 बाय 4 हो जाएगा 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो n माइनस 4 इक्वल टू 6, यानी n आ गया मेरे बच्चे 10। तो इस तरह का इंटरेस्टिंग सवाल होता है। तो अंतिम वाले में बस कॉन्सेप्ट यही समझना था कि आप एक्सचेंज करके बनाइए, नहीं तो फिर n माइनस r प्लस 2 यूज कीजिए, जो यूज करना है कीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा बच्चे, हैशटैग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इन टर्म वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई का पावर n, मिडिल टर्म। x प्लस वाई का पावर n में मिडिल टर्म क्या होगा? तो जो मिडिल टर्म होता है मेरे बच्चे, वो इंडेक्स पे डिपेंड करता है, समझते हैं इसको। इफ n इज इवन देन n बाय 2 प्लस 1/8 टर्म इज द मिडिल टर्म, इज द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म किस पे डिपेंड करेगा? n इवन है कि n ऑड है? n इवन होगा तो n बाय 2 प्लस 1/8 टर्म मिडिल टर्म होगा, और इफ n इज ऑड, n इज ऑड, तो यहां समझिएगा n प्लस 1 बाय 2/8 एंड n प्लस 3 बाय 2/8 आर टू मिडिल टर्म्स, आर टू मिडिल टर्म्स, टू मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म है ना। सो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि x प्लस वाई का पावर 4, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो 5 आएगा, 5 टर्म आएगा, t1 t2 t3 t4, छोटे से एग्जांपल से पहले चीजों को समझते हैं, t5। इसका मिडिल टर्म कौन होगा? ये होगा थर्ड टर्म, n बाई 2 प्लस 1, एक ही मिडिल टर्म होगा। n इवन होगा तो ऑड नंबर ऑफ टर्म होगा, एक ज्यादा टर्म होता है, तो वहां पे मिडिल टर्म जो आएगा एक आएगा सेंटर में t3। लेकिन यदि x प्लस वाई का पावर यदि 5 हो गया तो 6 टर्म आएगा, t1 t2 t3 t4 t5 t6। तो इस केस में मेरे बच्चे सेंटर में आपका दो टर्म आ रहा है, दो मिडिल टर्म आ रहा है, दो दो मिडिल टर्म आ रहा है, n प्लस 1 बाय 2, 5 प्लस 1 बाय 2 थर्ड, और 5 प्लस 3 बाय 2 फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दो दो मिडिल टर्म आएगा। तो मिडिल टर्म का होना किस बात पर डिपेंड कर रहा है? कि n इवन है कि n ऑड है, n इवन है कि n ऑड है। एक पॉइंट यहीं पे समझ लेते हैं कि मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशियंट सबसे ज्यादा होता है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट। देयर आर टू मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म हुआ, देयर आर टू मिडिल टर्म्स, देन देयर बाइनोमियल कोफिशियंट्स आर ग्रेटेस्ट एंड इक्वल, देन देयर बाइनोमियल कोफिशियंट आर ग्रेटेस्ट एंड इक्वल। मैंने बताया था ना बच्चों कि एनसीआर का वैल्यू बढ़ता है, बीच में जाके मैक्सिमम होता है और फिर घटना स्टार्ट होता है। तो जो मिडिल टर्म होगा उसी का जो बाइनोमियल कोफिशियंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा,
क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू पहले बढ़ेगा बढ़ेगा, बीच में जाके मैक्सिमम होगा और फिर घटना स्टार्ट होगा। और यदि दो दो मिडिल टर्म है तो दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होगा, क्योंकि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इक्वल होता है, इक्वल होता है। सवाल करते हैं, फाइंड द, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बाई सिक्स का पावर 9, इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो बच्चों जो मिडिल टर्म होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा n पे, n इज ऑड। तो n यदि ऑड है तो इसका कितना मिडिल टर्म होगा, इसका दो मिडिल टर्म होगा। n यदि ऑड है बच्चे तो इसका दो मिडिल टर्म होगा। तो इसका मिडिल टर्म कौन कौन होगा, बीच में दो मिडिल टर्म आएगा, तो इसका जो मिडिल टर्म आएगा उसका फॉर्मूला मैंने बताया है n प्लस 1 बाय 2th टर्म, 2th एंड n प्लस 3 बाय 2th यानी 5th एंड 6th, दो मिडिल टर्म आएगा इसका, 5th एंड 6th दो मिडिल टर्म, पांचवा टर्म होगा और छठा, दो दो मिडिल टर्म होगा इसमें। बोलेगा ठीक है दोनों निकालना होगा, हाँ दोनों निकालना होगा। व्हाट इज फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो फिफ्थ टर्म होगा 9c4 एकम और 3x का पावर दोनों का डिफरेंस और आपका माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स का पावर लोअर सरफेस 4, 9c4 का वैल्यू 126 और यहां से आ जाएगा 3 का पावर 5 और यहां से आ जाएगा 6 का पावर 4 और माइनस 1 का पावर 4 इवन x का पावर 5 और x का पावर 12, तो x का पावर आ जाएगा कितना, x का पावर आ जाएगा 17, है ना। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको जब पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा पूरा, x का पावर 17 तो होगा ही और 126 इंटू 3 का पावर 5 और ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4, तो ये कट के एक बचेगा 3 और 2 का पावर 4 से जब ये कटेगा ना, 126 है ना, 126 इंटू 3 और नीचे है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 63 और ये हो जाएगा 189 by 8 और x का पावर 17 मेरे बच्चे 189 by 8 x का पावर 17, लेकिन इसमें दो दो मिडिल टर्म होगा, दोनों निकालना होगा, तो टीसीएस कितना होगा 9c5 और 3x का पावर 4 और माइनस एक्स क्यूब बाई 6 का पावर 5, 9c4 और 9c5 बराबर होगा 126 और यहां से आ जाएगा 3 का पावर 4 6 का पावर 5 और यहां से 4 15 4 19 माइनस एक्स का पावर 19, एक्स का पावर 19। अब इस पूरे को कैलकुलेट कीजिए मेरे बच्चे,
तो 126 और 3 का पावर 4 और ये 2 का पावर 5, 2 और 3 का पावर 5 और माइनस x का पावर 19, तो यहां बचेगा 3 और 126, 2 से कटेगा, 126 by 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 से कितना बच्चों, 63, 2 से कितना बच्चों, 63, और एक 3 और बचेगा यहाँ, तो ये 3 से कितना बच्चों, 21, तो ये आ जाएगा 21 by ये 3 कट गया ना, ये तो 3 कट गया, तो 21 by 16, माइनस 21 by 16, माइनस 21 by 16 एक्स का पावर 19, माइनस 21 by 16 एक्स का पावर 19, और एक आ रहा है मेरे बच्चे 189 by 8 x का पावर 17, तो इसमें दो दो मिडिल टर्म होगा, तो ठीक है बच्चे, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और आ रहा समझ में, ओके.